दोस्तों आज हम सीखने वाले किस तरीके से अपन कोई भी इंडेक्स चूल्हे पे चाय कैसे बना सकते हैं, कुछ भी चीज कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली आखिर वीडियो है वो इस बारे में, आप किस तरीके से भाई अगर आपने कोई आपने पहली बार इंडेक्स गैस चूल्हा देखा है या फिर पास आपने लिया हुआ, तो किस तरीके से आप ये चाय को बना सकते हैं। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो को जानकारी देंगे कि आपको इंडेक्स कोई भी गैस चूल्हा किसी भी किचन में रखा हो तो उसको आप चाय कैसे बना पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अभिनंदन और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं कि भैया इंडेक्स गैस चूल्हे पे अपन चाय या दूध को गर्म कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इंडेक्स गैस चूल्हे में अपन चाय कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको देखिए इसका जो भी प्लग होगा उस प्लग को आपको अपने जो भी एक्सटेंशन है या जो भी आपका जहां मोबाइल चार्ज वगैरह लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं टीवी वगैरह उस जैसे प्लग में आपको इसको लगाना होगा। चलिए अपन लगा देते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर मेरा ये बोर्ड है, मैं इसको निकाल देता हूँ इसको और यहाँ पर मैं अपने इसको लगा देता हूँ गैस चूल्हे को। ये लगा देते हैं, ये देखिए लग गया। अब लगने के बाद दोस्तों इसमें एक बीप की आवाज़ आती है, ध्यान दीजिए बंद कर देता हूँ फिर दिखाऊंगा आपके लिए, ध्यान दीजिएगा बंद है। देखिए ये बीप क्या हो जाती है, अब इस टाइम ये ऑन हो चुका है। अब तो ध्यान दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए ये जो बटन है आप देख सकते हैं अभी बंद है, इसको आप जब दबाएंगे एक बार तो ये चालू हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, अगर आप चाय बनाना चाह रहे हैं तो पहले आपकी जो भगोनी है भगोनी को उस पर रख दीजिएगा यहाँ पे, है ना। भगोनी को रख के आपको इसको ऑन करना है, ये देखिए लिखा है ना ऑन लिखा हुआ है यहाँ पे, देख पा रहे हैं ऑन का बटन होगा तो आपको दबा देना है इसको। जब दबाएंगे इसको तो आपका ये ऑन हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए दबाने के बाद ऑन हो जाता है, ये चालू हो चुका है और यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई करंट नहीं लगता है और ना ही आपका हाथ गर्म होगा। लेकिन आपके जो भगोनी रखा हुआ है जो कि चाय बन रही है यहाँ पे इसने काम करना चालू कर दिया है। अब आप देखते रहिए कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको बटन देखने को मिलता है डाउन का और अप का, तो अगर इसको आप करते हो इसकी मतलब जो इसका पावर है करंट की पावर है या लाइट की उसको बढ़ा सकते हैं आप। जो मैंने 24 पे कर दिया है इससे आप कम कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसका टाइमर लगा सकते हैं और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं। तो अपन अभी सिर्फ चाय बना रहे हैं, इसको फुल पे कर दिया है, ठीक है। अभी जो ऑन है इसको बंद कैसे करते हैं आपको बताएंगे, पहले अपन इसको चाय बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए इसको लगा देता हूँ मोबाइल में, देखते रहिएगा इसकी। दोस्तों आप देख सकते हैं जो उसका दूध रखा हुआ है वो गर्म होना चालू हो चुका है, धुआं निकलने लगा था गर्म हो चुका है, देख सकते हो ऊपर ले जाता हूँ मैं इसको, देखिए आपको दिख रहा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें अपन डालेंगे अपनी चाय पत्ती, देखिए चाय पत्ती है जो डाल देते हैं अपन यहाँ पर, डाल दें अपन ने देखिए डाल दी। अब बात करते हैं शक्कर की, तो शक्कर डाल देंगे इसमें अपन, है ना, ये शक्कर डाल दी अपन ने, ठीक है दोस्तों। अब देख सकते हैं बन रही चाय और अभी इसको देख सकते हैं धुआं निकलना चालू हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। अभी थोड़ा वेट करना होगा आपको एक या दो मिनट कि चाय बन जाएगी इस पर, ओवन चालू हो गई है थोड़ा मत कर देते इसको अपन। दोस्तों बहुत गर्म हो गई है, बहुत गर्म मतलब उबल की जाए, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, थोड़ा मद्दा कर दिया मैंने, उबाल देते इसको अपन। दोस्तों ध्यान दीजिए कभी भी आप चाय वगैरह बनाएं तो आपको इस तरह की भगोनी जो होती है बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको हैंडल वाले बर्तन का इस्तेमाल करना है क्योंकि उसको आप उठा सकें, क्योंकि एकदम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपन। इसको बंद करने के लिए ध्यान दीजिए, आप जैसे चाय बन चुकी है पूरा बंद कर दिया है। अब इसको बंद करने के लिए आपको सिंपल जो ऑफ वाला बटन है वो एक बार दबाना होगा, जब दबा देंगे तो आप देखेंगे जो लाइट है यहाँ पर आपकी डिम होने लगेगी, मतलब बंद चालू होने लगेगी, आपका इंडेक्स जो है बंद हो चुका है लेकिन ये चलता रहेगा। अभी होता क्या है अंदर इसके फैन लगा हुआ है जिससे क्या होता है गर्म हुआ होता है ना तो वो पूरा ठंडा कर देता है, तो आपको यहाँ से एक बार दबाएंगे तो ये बंद हो चुका है, देख सकते हैं अभी लाइट जल रही है बंद चालू हो रही है। जिसको ऑन करते हैं तो ये लाइट जलती हुई रहती है, देखिए दिखाना चाहूँगा, देखिए ऑन करा अपन ये लाइट बंद नहीं होगी, देखिए चल जल रही लाइट। अब बंद कर देंगे तो देखिए ये बंद चालू हो रही है। तो इस तरीके से उसको अपना उसको चाय नाश्ता कुछ भी बना सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा आपको इस तरह कोई बर्तन इस्तेमाल नहीं करना है जिसको आप उठा ना पाएँ, क्योंकि क्या होता है उबलती है अब चाय तो अपन उसको उठा नहीं पाते हो, उठा थोड़ा सा लेट कंट्रोल होता है गर्म होता रहता है, इसलिए आपको ऐसा कोई बर्तन इस्तेमाल करना है जब आपकी चाय उबले या कुछ भी तो आप उसको उठा सकें जिससे कि वो गर्म होना कम हो सके। तो इस तरीके से आप इंडेक्स पर चाय वगैरह बना सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग पूरा सीख गए किस तरीके से उसको ऑपरेट करना, किस तरीके से नहीं करना है। तो दोस्तों जब इसको आप चाय बना लेंगे इसको बंद कर देंगे, जिसका फैन चल रहा था जब वो बंद हो जाएगा मतलब आवाज़ करना बंद कर देगा, फिर वो करना क्या है जिसका मेन स्विच है यहाँ पे आपका मेन स्विच, जहाँ पे इसको आपको बंद कर देना है,
तो आप देखिए आपका जो इंडेक्स है वो बंद हो चुका है, इस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे किस तरीके से कोई भी इंडेक्स गैस चूल्हे पे अपन चाय या दूध गर्म कर सकते हैं। लेकिन उसको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हालांकि मेरी चाय थी वो उबल गई थी, फैल गई थी, इसके ऊपर आ गई थी। आपको जब भी कोई चाय बना रहे हैं या दूध गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जब भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जब का बर्तन है, जो भी आप इसे दूध गर्म कर रहे हैं, चाय गर्म कर रहे हैं, उसका नीचे की जो परत होती है वो कभी भी आपकी दोस्तों गीली नहीं होना चाहिए। और सेकंड, आपका ये भी गीला नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी चीज थोड़ी सी भी गीली होती है तो उस कंडीशन में होता क्या है, आपकी जो इंडेक्स की जो प्लेट होती है वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, अगर मान लीजिए कि भाई आप चाय बना रहे हैं तो आपको है ना हमेशा जो भी आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, भगोना जो भगोनी जो आप चाय बना रहे हैं, तो आपका उसको हैंडल वाला होना चाहिए। उस हैंडल वाला क्यों होना चाहिए, मान लीजिए कि आपने जो चालू कर दिया है और आपकी चाय उबलने लगी है बहुत तेजी से, उसको हटा सकें जिससे उसको आप कंट्रोल कर सके उबलने, जिससे वो फैल रहा है, उसकी ध्यान रखिएगा। और कभी भी इसको आपको फुल हीट पे नहीं करना, क्योंकि तो बेहतर तो क्या था, इसलिए फैल गई थी क्योंकि मैंने अपना जो मोबाइल था उसको भी ऑपरेट कर रहा था, उस आदमी को सिखा भी रहा था, इसलिए मेरा दोनों जगहों पर ध्यान था, इसलिए उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन वैसे ही जो वीडियो थी इसी बारे में थी, आप किस तरीके से किसी भी इंडेक्स चूल्हे पे चाय या दूध को गर्म कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक कुछ बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई इंडेक्स चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, नीचे हमें कुछ बटन देखने को मिलते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है कूल और कॉफी वगैरह, तो आपको इनका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है, कुछ मतलब के नहीं होते हैं, सिर्फ आपको ऑन और ऑफ बटन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे आप ऑफ करेंगे तो कुछ मिनटों के लिए आपका जो होता है इंडेक्स वो चलता रहता है, इसका एक फैन रहता है जिससे ठंडा होता है। जब आपको फैन बंद हो जाता है तब आपको जो मेन पावर का जो प्लग लगा हुआ है, ये वाला प्लग मेन पावर में लगा हुआ है, तब आपको उसको वहां से बंद करना होता है। मुझे उम्मीद है पूरा समझ में आ गया। कोई अगर सवाल है, कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो हमें कमेंट कीजिएगा, आपके हम कमेंट करिएगा, जरूर देंगे दोस्तों। चलिए मिलेंगे फिर आप सब नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।